बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान और रहीम है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू, इंसान को किन चीज़ों से पस्त किया गया। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया। उबैदुल्ला बिन आयशा की रिवायत है कि सुफियान बिन उबैया ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम को अल्लाह ताला तीन तबाहकुन चीज़ों के ज़रिए पस्त ना फरमाते तो इनका तकब्बुर और फसाद हद से बढ़ जाता और कोई चीज़ इनका शर बर्दाश्त करने की ताकत ना रखती। अफसोस के इंसान इन तबाहकुन चीज़ों में मुब्तला होने के बावजूद शर और फसाद के मैदान में छलांगे लगाता रहता है। सरकशी और शर इंसानी को दबाने वाली तीन तबाहकुन चीज़ें ये हैं। उनमें से नंबर एक पर है फ़क्र अफलास, नंबर दो अमराज और नंबर तीन मौत। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से, फसाद से, सरकशी से और इन अमाल से बचाए जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नाराज़गी और गज़ब के मौजिब हैं, और इन आमाल की तौफीक नसीब फरमाए जो सआदत दारीम के असबाब हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।